हे नमस्कार दोस्तों, मैं अमितेश सोनी अपने YouTube चैनल अमितेश ब्लॉग में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोग को लेकर आया हूं करण वाला बैराज, जो कि एक काफ़ी खूबसूरत सा डैम है। देख सकते हो दोस्तों, यहां पे शिव जी विराजमान है। और दोस्तों ये सामने आप देख सकते हैं गंगा मैया भी यहां पे विराजमान है, आप लोग दर्शन कर सकते हैं। मैं जो करण वाला बैराज के पास पहुंच चुका हूं, जो गेट है उस तरफ पहुंच चुका हूं। चलिए दोस्तों, चलकर मैं आप लोगों को यहां पर का जो गेट है वो दिखाता हूं। उससे पहले दोस्तों हम यहां पे एक नज़र डालेंगे करण वाला के परियोजना के जो बोर्ड है उस पर। आप लोग पॉज करके इस बोर्ड को पढ़ सकते हैं। इस तरफ ही दोस्तों पार्क है अंदर जाने का, जो कि व्यू पॉइंट है। तो मैं इस तरफ आप लोग को बाद में लेकर चलूँगा, पहले हम चलते हैं गेट की तरफ। नीचे की तरफ चलता हूं और यहां पे जो गेट है वो दिखाता हूं। सामने देख सकते हैं काफी बड़े बड़े गेट यहां पे लगे हुए हैं, जिसे पानी छोड़ने का कार्य किया जाता है। चार गेट है यहां पे दोस्तों, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर। और काफी खूबसूरत भी लग रहा है ये। फाइनली हम ऊपर की तरफ आ चुके हैं और ये आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे सारी जो पुल्ली लगी हुई है गेट को उठाने के लिए जो यूज की जाती है। चलते हैं ऊपर की तरफ, ऊपर चलकर देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सामने आप लोग देख सकते हैं, ये इधर आप लोग गेट देखने के लिए मिल रहा होगा। तरफ देख सकते हैं यहाँ पे चार गेट लगे हुए हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये जो करण नाला का जो ये बांध का पानी है, ये इस मार्ग से छोड़ा जाता है। चार गेट हैं यहाँ पे, बड़े बड़े गेट, जो कि पानी इस तरफ फ्लो कर खेतों तक पहुँचता है। यहाँ पे जो पार्क है, यहाँ पर व्यू पॉइंट बनाया गया है उस तरफ। और संध्या का वक्त हो क्या, आप लोग देख सकते हैं सूर्य डूबने पर है। हम पार्क की तरफ चलते हैं, क्योंकि काफ़ी खूबसूरत सा यहाँ पे पार्क बनाया गया है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे चित्रकारी की गई हुई है यहाँ पे। जैसे ही हम अंदर की तरफ चलते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हैं दो यहाँ पे जो भैंस के मुख है वो बनाए गए हैं, और कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और इस तरफ आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, बैठने की अच्छी व्यवस्था की गई है। चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं ये पार्क। संध्या का समय हो चुका है दोस्तों, सूरज डूबने पे है। और इस तरफ आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा। और आगे की तरफ लेकर चलता हूं दोस्तों, जहां पर यहां का व्यू पॉइंट है। इस तरफ देख सकते हैं दोस्तों, यहां पे सीढ़ी का भी निर्माण किया गया है। और दोस्तों इस जगह की बात कर रही हूँ, यहाँ पे नहाना खतरनाक हो सकता है। आप यहाँ पे आइए, बैठिए, यहाँ पे बैठने के लिए देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे बनाया गया है सीढ़ी नुमा।
और ये नीचे उतरने के लिए यहाँ पे सीढ़ी भी बनाया गया है। तो इस जगह पर दोस्तों नहाना काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, तो आप जब भी यहाँ पे आ रहे हैं यहाँ पे नहाने की चेष्टा बिल्कुल ना करें। और देखते हैं यहाँ के व्यू पॉइंट से, यहाँ का व्यू, यहाँ पे जगह जगह पर दोस्तों बैठने के लिए यहाँ पे इस प्रकार के चेयर्स बनाए गए हैं। और फाइनली दोस्तों हम यहाँ के व्यू पॉइंट पर आ चुके हैं। इस जगह पर काफी अच्छा बनाया गया है, देख सकते हैं दोस्तों सीमेंटेड है यहाँ पे। और इस तरफ देखिए, यहाँ से जो करनाला डैम है ये पूरी तरीके से यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों, काफी खूबसूरत नजारा है। यहाँ पे तीनों तरफ से दोस्तों आप लोग देख सकते हैं पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ ये करनाला काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। और शाम के वक्त दोस्तों इस जगह का जो व्यू है वो और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। सो फ्रेंड्स, इस जगह की बात करूँ तो ये जगह काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। और यहाँ पे आप आइए, यहाँ पे पिकनिक सेलिब्रेट कीजिए, काफ़ी बेहतरीन जगह है दोस्तों ये पिकनिक सेलिब्रेट करने के लिए। और साथ में ये फ़ोटो क्लिकिंग के लिए भी काफ़ी बेहतरीन पॉइंट है। बट दोस्तों इस जगह पर जब भी आप आ रहे हैं तो डेंजर सेल्फी लेने की बिल्कुल भी चेष्टा ना करें, ये काफ़ी ज़रा भयानक हो सकता है। अभी दोस्तों आप लोगों ने देखा, मैंने जो करनाला डैम है वो आप लोग को दिखाया, यहाँ से जो चैनल गेट है वो सब दिखाया आप लोग को, और आगे की तरफ में एक और पार्क है वो भी मैं आप लोग को दिखाऊँगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, उससे पहले दोस्तों मैं आप लोग को यहाँ ड्रोन के माध्यम से एक व्यू इस जगह का दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, हम फाइनली जो डायनासोर पार्क है उस जगह पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर भी दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पे शेर का जो है प्रतिमा बनाया गया है दीवार पे, वॉल पे। और जैसे ही अंदर की तरफ चलते हैं, इस जगह की बात करूँ दोस्तों तो यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत ढंग से इस जगह को सुसज्जित किया गया था, बट लॉकडाउन के बाद इस जगह पर कोई भी मेंटेनेंस वर्क ना होने के कारण इस जगह पे काफ़ी सारे झाड़ झड़ोखे और कुछ जंगली पौधे यहाँ पे उग गए हैं। बाकी व्यू पॉइंट यहाँ पे काफ़ी अच्छा बनाया गया है। और इस तरफ देखिए दोस्तों, डायनासोर की काफ़ी खूबसूरत सी प्रतिमा बनाई गई है, आप देख सकते हैं काफी खूबसूरत है। यहाँ पे एक स्टैचू बनाया गया है डायनासोर का। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, काफी खूबसूरत लग रहा है और इसीलिए इस जगह को डायनासोर पार्क कहा जाता है। वैसे दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे काफी अच्छा यहाँ पे प्रबंधन किया गया था, सीमेंटेड यहाँ पे बेरियर्स बनाए गए हैं, काफी खूबसूरत लग रहे हैं। और इस जगह पर मेंटेनेंस वर्क ना होने के कारण काफी सारे यहाँ पे झाड़ झड़ोके उग गए हैं। और जब भी आप लोग इस जगह पर आ रहे हैं बिल्कुल गंदगी ना करिए, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा प्लेस है दोस्तों। इस जगह से यहाँ से व्यू काफ़ी खूबसूरत व्यू दिखता है, तो यहाँ पे आकर इस प्रकार का गंदगी का कार्य बिल्कुल ना कीजिए। क्योंकि बाकी दोस्तों देख सकते हो, इस जगह से डैम काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है।